तो संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया है सीएनआरसी को लेकर। जिस तरीके का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि आज आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया जाएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद में आर्थिक सर्वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वित्त मंत्री पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही संसद में हंगामा शुरू हो गया है। और ये हंगामा, ये प्रदर्शन खुद सोनिया गांधी की अगुवाई में किया जा रहा है। गांधी की प्रतिमा के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से हम सीएएनआरसी को लेकर देश भर में प्रदर्शन देख रहे हैं, कल जामिया में क्या हुआ, उसके बाद में अब ये तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं। ये आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं, संसद के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हाथ में प्लेकार्ड लेकर सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया के नारे लगाते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी आप देख पाएंगे। सोनिया गांधी की अगुवाई में ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस बात की आशंका थी वही हुआ है, अभी सत्र शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले हंगामा होना शुरू हो चुका है। देखिए, संसद के बजट सत्र का आगाज आज से होना है और 11 बजे दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो की ज्वाइंट सेशन होगा और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण होगा ये देखना, क्योंकि अभिभाषण में क्या वो बातें बोलते हैं। बजट सत्र का आगाज हो रहा है, उससे पहले विपक्ष की ओर से सीए कानून एनआरसी के अलावा एनपीआर को लेकर जो सवाल उठे हैं उनके बैनर उन्होंने लिए हुए थे। प्रदर्शन किया गया है संसद भवन परिसर में, गांधी प्रतिमा के पास सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा राहुल गांधी मौजूद थे। जो विपक्ष के दूसरे नेता डीएमके की बात करें वो मौजूद थे। समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जुड़ गए और उनके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी हुई है, कानून को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही जो सवाल उठे हैं ये कानून को लेकर और जो शाहीनबाग का प्रदर्शन है उसमें जो गोलीकांड हुआ है उसके खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। जरूर है कि इसके जरिए विपक्ष ने एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, जबकि बजट सत्र का आगाज हो रहा है, लिहाजा इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश और सरकार को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से दिखाई देती है। सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर सदन में बयान देना चाहिए। जो हालात बने हैं वो बाहर कहते हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं, लेकिन सदन में वो भरोसा नहीं देते हैं। एनपीआर को लेकर, एनआरसी को लेकर बात है, उन पर स्थिति साफ करनी चाहिए, जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होनी चाहिए, संसद के अंदर बयान आना चाहिए। लिहाजा ये मांग करते हुए सरकार से मजबूती के साथ ये मांग की गई है कि वो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करे। तो ये जरूर है कि प्रदर्शन के जरिए यह जताने की कोशिश। लेकिन प्रदीप जी, कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि विपक्ष जिन भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कह रहा है हम तैयार हैं, लेकिन पहले आर्थिक सर्वे पेश हो जाने दीजिए, ये बजट सत्र हो जाने दीजिए या बजट पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद में जो भी मुद्दे आप कहेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष हमलावर हो गया है। देखिए, अमूमन जब भी किसी सत्र का आगाज होता है विपक्ष के अलग अलग मुद्दे जिनको लेकर वो लगातार आवाज उठाते हैं, वो मौका मिलता है उनको संसद के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर वो उठाएं, और इसीलिए जब संसद परिसर में प्रदर्शन होता है तो उसके जरिए ये कोशिश होती है कि उन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाए, जताया जाए कि वो उन मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं है। सदन के अंदर भी इसको जोर शोर से उठाया जाएगा। बजट सत्र चूंकि काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है, लिहाजा बजट सत्र में तो बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जरूर है कि विरोध और इस पर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति विपक्ष की है। लिहाजा दोनों सदनों में ये तय है कि कल जब बजट आना है उससे पहले विरोध जो प्रदर्शन हो रहा है वो सदन के अंदर भी दिखाई देगा, और प्रदर्शन करते हुए विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि पहले सीए को लेकर सरकार सदन में बयान दे, उसको लेकर स्थिति साफ करे, तो देखना होगा इस पर सरकार की रणनीति क्या होगी। चलिए, तस्वीरें हमने देखी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरों में एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सेव इंडिया का नारा लगाते हुए, सेव इंडिया का पोस्टर लेते हुए ये तमाम विपक्षी नेता, तमाम विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सड़क से लेकर संसद तक सीएएनआरसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला और उसके बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी आप देख पा रहे होंगे कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।